शिक्षा लोक यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत पाने आज वीडियो रे आमे ध्वनि एवं वर्णर उच्चारण स्थान उपर आलोचना करवा विशेषकर ध्वनि केते प्रकार कौन कौन एवं ध्वनि कौटू जात हो विभिन्न प्रकार ध्वनि जो काकल्य ध्वनि हो उत्क्षिप्त ध्वनि हो पार्शिक ध्वनि हो ये भाव में विभिन्न ध्वनिर विषय आम आलोचना करवा सहित आम जो वर्गीय व्यंजन अवर्गीय व्यंजन से विषय आज भिडियोटी आरंभ करवा ते आस भिडटी को स्टार्ट करवा पाने आम देखा ओडिया लिपिर वैशिष्ट्य अर्थात ओडिया लिपिर आमर जो शिरोदेश अर्धवृत्ताकार मंडली पुड़ा पुच्छ एवं कोणहीन कुटिल वक्ररेखा रही था जोटा कि आमर इंग्राजी अक्षर भाया नुहे देखो आम लिखले करे अ का हर्षकार दे करे हर्षिकार दे कितक जगार किटा को करे हर्षिकार एम पोड़ा दौचे आमर रुटा कौन सी मोड़ी होर आमर एभली भाव तेणु आप देखिले ओडिया भाषा रे एभली भाव वक्ररेखा किसी रोचे जोटा कि इंग्राजी भाषा बा अन्य भाषा आम से देखा पाने तो ओडिया भाषार आमर लिपि गुड़िक कहुए गोलाकृत तापर आउ गोटे गोलाकृत हो रोटी कारण कौन थी ना पूर्वे आम कौन करा भुजपत्र तालपत्र लिखा जाता क्या साहय लुहार लेखन साखा जाता तेरे लुहार लेखन साहय लिखले कौन बोलते सीधा सड़क गाँव में कटा हाब ताले पत्र कटिज आशंका था तो से दृष्टि आमर यो ओडिया लिपिर कौन जी मान आकार गुड़िक गोलाकृत देखा साधारणत तापर पे देखा जाए जे आम जो स्वरध्वनि सारणी आम कौन तीन जगार आम जीभ मध्यम से आसूस स्वर पेटिका देक आसूसी स्वर पेटिका देक आसा बेल जीभर कौन हो ना जोटा अग्रभाग आसू मध्यभाग पश्चात भाग रु आम साधारणत उच्चारण हो से दृष्टि आप कराई संवृत ध्वनि अर्ध संवृत ध्वनि तापर अर्ध विवृत ध्वनि एवं विवृत ध्वनि ये जो संवृत ध्वनिटा आसा कौटी ना अग्रे आसर अग्रे कहते ई जगार आसूटा तापर आम पश्चात आसा कौटा हर्षौटा से भाई भाव में अर्ध संवृत आसा कौटी अग्रभाग एटा आसूम ओटा आसूर पश्चात भाग एवं अर्ध विवृत आसा कौन ना पश्चात भाग में केवल अ उच्चारणटा ही आसूत समय आसा कौटी ना मध्य भाग में आटा आम आसूस तेणु परीक्षार मतलब आसूस साधारण पकईदेव तो आम टे भल भाव मन रखा ता सहित आम प्रथम ये मन प्रश्न आसवि से संवृत ध्वनि क्या कहती अर्ध संवृत ध्वनि क्या कहती साधारण संवृत ध्वनि क्या कहती ना जो ध्वनि संवृत रेखार मानने कौन ऊपर रही कौन हुए ताकू आम संवृत ध्वनि साधारण जीभ जो आम कहे कौन ना ई कहला से कहूँ जीभटा आम लंबा होम जो जीभ को देखा बर्तमान जीभ मन आम जीभटा ये भाया लंगा लंबा भाव देखेदे जना पड़ो जीभ गुड़िक साधारण कौन हो ना जीभर उपर कि रखे कह संवृत ध्वनि एवं जदि जो ध्वनि अर्ध संवृत रेखा उपर र ताक कह अर्ध संवृत ध्वनि तेरे ये दृष्टि देखिए अर्ध संवृत कौट आसा ना आपणकर ए आसला एवं संवृत ध्वनि आसा कौटा हर्षई एवं हर्षो युड़क आम बारंबार अभ्यास करा दरकार पे आम जो व्यंजन वर्ण अच्छी व्यंजन वर्ण को दि भाग विभक्त कराई आम जाचे गोटे है कौन ना वर्गीय व्यंजन आ गए अवर्गीय व्यंजन वर्गीय व्यंजन संख्या है पचीस जोटा कि आम जानते कचट तप ये कचट तप को मध्य वर्ग व्यंजन को आम कहीपर स्पर्श ध्वनि कहीं स्पर्श ध्वनि कहला ना जो ध्वनि उच्चारण से हृत्पिंड निर्गत वायु जो हृत्पिंड आम निर्गत हो आसूसी से आसला विभिन्न स्थान में रुद्ध हो जाए मैंने रोक जाए रोक हठात जो खोली से जो ध्वनि के आम कहता स्पर्श ध्वनि व्यंजन ध्वनि आम कठ आरंभ करके म पर्यंत जो रहा पचीस टी वर्ग व्यंजन से वर्गीय व्यंजन अन्य ना है स्पर्श ध्वनि तापर आम आसा अवर्ग अवर्गीय व्यंजन जो ध्वनि अच्छी से गुड़िकर उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न प्रकार रही आलोचना करवा प्रथमतः अच्छे
अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण कौन साधारण ये वर्ण गुड़िक स्वर एवं व्यंजन मध्यवर्ती हेतु आमर अंतस्थ अंतरस्थ वर्ण बाजी कह अंतस्थ वर्ण हाँ अंतस्थ वर्ण रूपे गुड़िक परिचित जथा आम अंतस्थ ज एवं से अंतस्थ ज बोली कौन य र ल ल एवं व एगुड़ी हूँ आम अंतस्थ वर्ण तापर आम आसला उष्मवर्ण बा काकल्य वर्ण। उष्मवर्ण कौन साधारण आम जो उच्चारण करण कला बेल कौन ना एमती किसी वर्ण अच्छी जो वर्ण गुड़िक आम पटर कौन हुए ना उष्मता बाहर आम कह उष्मवर्ण तार अन्य नाम हूँ काकल्य वर्ण। उष्मवर्ण कौड़ ना तालवेश आम कहल तालवेश मुद्रेस हाथ दी कहे आम अंतेश ह कहले मत आम जो पापुली आम लगे पापुली को लगे आम कह तो सीठी पापुली आम उष्मता बाजुच उष्मवर्ण से उष्मवर्ण अन्य नाम हूँ आम काकल्य वर्ण। तापर पे आसा वश्य ध्वनि जो ध्वनि गुड़िक उच्चारण बेले जिह्वार शिखर देश ये अग्रभाग शिखर रे वश्य सहित मिलित हुए से गुड़िक आम वश्य ध्वनि कह साधारण कौड़िक ना न एवं ल रुड़क हूँ आम साधारण वश्य ध्वनि जोड़ा कि परीक्षा पड़ी पारे तेनाली तुम्हें ध्यान सहित अभ्यास कर। आसला पारिपार्श्विक ध्वनि पारिपार्श्विक ध्वनि कौन जो ध्वनि उच्चारण जिह्वार मध्य तल को नई पड़ा जितने उच्चारण कर जिह्वाटा नई पड़िया भाई हुए से ही नई पड़ा द्वारा आम कौन हो प्राणवायु भितर जो वायुटा उच्चारण हो वायुटा कौन हुए ना जिह्वार एक पार्श्वे कि उभय पार्श्वे मध्य कौन बाहर बाहरी आसे से कह जाए पारिपार्श्विक पार्श्विक आम कहीपर पार्श्विक ध्वनि बोली कह जो उदाहरण आम कह ल जिते आम कह लगे लगे लीवटा तल कौन तल को नई जाऊँच तो यही कहला बेलू आप साउंडा ध्वनिटा कौन हो उभय पार्श्वे आसे कि बेले बेले आप गोटे पार्श्वे आसे जोटा कि आम कह पार्श्विक ध्वनि। एवं पे आम देखा लोड़ित ध्वनि बा लुंठित ध्वनि तो क्या कहती ना जो ध्वनि उच्चारण में अग्रजुहा ये अग्रजुहा आम प्राणवायु द्वारा प्रेरित हो दंतमूल को दुई तीन थर आघात दिए ताकू कह लोड़ित बा लुंठित ध्वनि विशेषकर सीटा कौटा ना र र र कह देख बाड़ी दात मूल को देखिए आसा संघर्षी ध्वनि जो ध्वनि उच्चारण बेले प्राणवायु एक संकीर्ण पथ दे आम कौन आसवा द्वारा कौन हुए ना भाषण वायु वायव्य संघर्ष हुए जो कंठ अच्छी से पाखे कंठ मूल रेकिनी आम कौन सा माड़ हुए माड़ हाँ फिर ताक आम कौन कह संघर्ष ध्वनि कह जोटा कि आम कहे स हूँ आम कह संघर्ष ध्वनि आउ कई कई कहती दंतेश्वर कहती घृष ध्वनि कहुए तापर आसा पे अर्धस्वर अर्ध व्यंजन विशेषकर जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में उभय स्वर एवं व्यंजन वर्णर भूमिका थाए व उच्चारण हो उच्चारण हो उभय स्वर एवं व्यंजन वर्णर भूमिका अच्छी एणु यह आम कह अर्धस्वर अर्ध व्यंजन वर्ण कौड़ ना व एवं यापर आसा अजोग बाह वर्ण अजोग बाह वर्णर अन्य नाम गोटे हूँ कौन ना आश्रित वर्ण कहपरिया अजोगा वर्ण कौन ना जो वर्ण गुड़िक उच्चारण में स्वर व व्यंजन वर्णर आश्रय बिना उच्चारण हमें ना जितने से उच्चारण हे से स्वर व व्यंजन वर्ण आश्रय ने कह अजोगवाह वर्ण बा आश्रित वर्ण जेहेतु आश्रय करेंगे आश्रित वर्ण बोली कहुए कौड़ाक ना आम अनुसार विसर्ग एवं चंद्रबिंदु कारण से गुड़क सीधा सड़क प्रयोग होना गुड़क स्वर व व्यंजन वर्णर सामर कौन हम प्रकाश पाइबे उच्चारण आसा अनुनासिक वर्ण अनुनासिक वर्ण कौन साधारणत तो नाक पुड़ा जो आम व्यवहार करुचे म न्य न म कहला बेल नाक देकर आसूँ तेणु म न्य ण न म अनुसार एवं चंद्रबिंदु एगुड़क आम कह अनुनासिक वर्ण। तापर आसा अघोष वर्ण प्रत्येक वर्गर प्रथम दुईट वर्ण को आम कह अघोष वर्ण अघोष कौन है जमी कहपर क ख ये
दीटा को जोड़ी होपर ग घपर च छपर ट ठ ध थ युड़ आम साधारण कौन जोड़िए जोड़िए वर्ग एकाठी हो सब आम कह अघोष वर्ण अच्छी सघोष वर्ण सघोष वर्ण क्या कहते ना प्रत्येक वर्णर शेष तीनो वर्ण को आम सघोष वर्ण कहती जथा ग घ ध न भम तापर ज रुड़ा सब सघोष वर्ण तापर से अल्प प्राण मानते कम वायुवस्तु प्रत्येक वर्गर प्रथम तृतीय एवं पंचम जो रहा प्रथम वर्ण कोड़ा कचट तप तापर गजड़ दब तापर वन ये जो ध्वनि उच्चारण बेले अल्प वायु निर्गत होने कह हूँ अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन रहा क ग एवं च ज नि ट ड ण त द न प ब म ज र ळ व ये सब है आम अल्प प्राण व्यंजन तापर से महाप्राण व्यंजन कौटा ना प्रत्येक वर्गर द्वितीय एवं चतुर्थ ध्वनि उच्चारण बेले आम अधिक वायु निर्गत होता कारण आम कह हूँ कौन ना महाप्राण व्यंजन कौड़ाक ख घ छ झ ठ ढ थ ध एवं फ भ एवं तालवेश मुद्रेश दंतेश युड़क आम कौन ना महाप्राण व्यंजन तापर से उपध्वनि उपध्वनि क्या कह ड एवं ढ को आम उपध्वनि कह जाए एवं कई क्या उत्क्षिप्त ध्वनि कहती ताड़ित ध्वनि कह जाए पे देखा आमर ड एवं ढर देखा जाए ड जो प्रथम शब्द रथम व्यवहार कराए से आम तले पोड़ा दि जाए ना उच्चारण हम ड कितु जिते बड़े आमर प्रथम स्थान छाड़ी द्वितीय हो तृतीय हो चतुर्थ हो व्यवहार करेटी कौन हाँ ना ड तले गोटे बिंदु दिजा उच्चारण र जिनके आम बता कह डर रही भाव में ढटा प्रथम व्यवहार कराला दिजा बिंदु कितु द्वितीय दिहब बिंदु जमीक दिखाई ढमणा कितनी ठीक है कढ़ आम कह कौन ना उपध्वनि तापर पे गोटे सर्ट्रे कराई मन रखापी तुम मान कहुई कौन ना प्रथम अच्छी नासिक्य ध्वनि उड़ा ना नासारु आसवर व न्य न म्य न मापर संघर्षी ध्वनि है कौन दंतेश एवं हापर से स्पर्श संघर्षी कौन च छ ज छपर से लोड़ित कौन लोड़ित ध्वनि है रपर से पार्शिक ध्वनि है कौटा ल एवं लापर उत्क्षिप्त ध्वनि है ड ढ ड ढ अर्धस्वरला य एवं व पाने तुम्हें यह भाव में बारंबार अभ्यास कर आशा ए भिडियो तुमको निश्चय भल लगे तेनाली तुम्हें बहु संख्यार लाइक कर निजर सांगसाथी मान सहित सेयार भी कर सहित निजर सुचिंत मतामत देवा भूल ना आदि आमर शिक्षालोक यूट्यूब चैनल को तुम्हें सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर धन्यवाद।